तो आपकी चप्पलें पड़ी है वहाँ पे वो नहीं उठाई जा रही आपसे बात करते हो दोबारा जाने की आप चप्पल उठाएंगे नेक देते हमारे में रिवाज है ना नेक भी मिलेगा मतलब मानते हो ये बात नेक मिलेगा जो गलत काम करा है नेक मिलेगा हमारे में ये भी है ना जो तो चप्पल छुपाता है तो क्या करते हैं नेक देते हैं ना नेक भी मिलेगा मिले सूरज मल जी थे उनके साथ क्या हुआ भूल गए अल्लाह अकबर को अपना पूर्वज बता रहे हैं टोपी वालों को पूर्वज बता रहे हैं क्या अपने अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को अपना बाप बोल रहे हैं शोभा यात्रा से दो युवक निकल के आए बोल रहे थे मूल्य काटे जाएंगे राम राम पुकारे गे क्या जाएंगे लोकेशन देंगे तुम्हारे जीजा जी आ गए फूल माला तैयार रखना हम पाली है और निकलेंगे से ही फूल माला तैयार रखना कोई दिक्कत नहीं है रहे तुम्हारे बिल्कुल तो फूल माला तैयार रखना क्या नमस्कार दोस्तों मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे चैनल बोल गबरू बोल इस समय हम बिट्टू बजरंगी के पास बैठे हैं आपने देखा होगा मेवात तू हिंसा में जो इनका नाम आया है दो ही नाम है मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी बिट्टू बजरंगी का वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा वीडियो क्यों वायरल हुआ बिट्टू बजरंगी बोल रहा है उसमें फूल मालाओं से हमारा स्वागत करना स्वागत करना तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं किसी से नहीं बोला तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं तो बिट्टू बजरंगी ने भी हाँ में हाँ मिलाई तो बातचीत करेंगे क्यों मेवात में ये हिंसा हुई क्या इसको रोका नहीं जा सकता था तो बिट्टू बजरंगी हमारे साथ है हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं नमस्कार बिट्टू भाई धन्यवाद भाई साहब ठीक हो बढ़िया आशीर्वाद गौ माता का क्या मेवात नु में जो हिंसा हुई है इसको रोका नहीं जा सकता था क्या ये प्लानिंग पहले से थी एक महीने पहले से अगर कोई इस पर संज्ञान लेता और वहाँ के जो लोकल लोग हैं सही सूचना देते या वहाँ के जो सरपंच हैं उनको पता था कि भारी लोग आ रखे हैं जैसे कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहर के लोग हैं अगर वो लोग भी अगर प्रशासन को सूचना देते तो प्रशासन उसी हिसाब से फोर्स लगाता पुलिस लगाता और अपने पूरी तैयारी रखते अपने लोगों को नहीं भड़का सोशल मीडिया वीडियो जारी करते हो हम यहाँ आ गए हैं अब हम पाली में है अब आगे जाएंगे लोकेशन देंगे तुम्हारे जीजा जी आ गए फूल माला तैयार रखना क्या यह ठीक था मेरे को पंद्रह बीस दिन पहले से ही मारने काटने की धमकी आ रही थी और यह कहा था कि हम तैयारी से हैं तो तैयारी का मतलब उन लोगों के लिए था वो वीडियो भी जो मुझे ऐसी धमकियाँ दे रहे थे माँ बहन की अब गाली दे रहे थे और जिन लोगों ने एक महीना पहले मेरी गाड़ी तोड़ दी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तीन गोली मेरे पे फायर करा वो अभी जेल में कुछ फरार है तो जो फरार थे उन्होंने भी वीडियो डाली कि तू आ एक बार तेरा स्वागत करेंगे तो उनके लिए था सभी के लिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बोल दिया मैंने सोशल मीडिया बोल दिया आपने वीडियो में थोड़ी बोला ये इनके लिए है स्पेशली आपने तो पूरी मेवात को इसमें संलिप्त कर दिया था नहीं मैंने मेवात का नाम नहीं लिया मैंने कहा आपकी यात्रा कहाँ पे निकलने वाली थी मैंने कहा था हम आ रहे हैं नल्लड मंदिर में तो नल्लड मंदिर में हमारा प्रोग्राम था जल अभिषेक हमारे साथ माताएं बहनें लेडीज बच्चे बुजुर्ग तो ये सारी थी तो हम कोई वहाँ कोई लड़ाई थोड़ा करने गए थे वहाँ पे जब तो हमारे साथ अस्सी अस्सी साल के बुजुर्ग हैं बहन बेटी हैं तो सभी हैं तो हमें तो दर्शन करना था वहाँ पे दर्शन के साथ जा रहे थे ये मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था जी भाई साहब हथियार नहीं थे किसी के पास न, मेरे हाथ में हथियार नहीं था जो वीडियो वायरल हो रही है हथियार है उसमें हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकालोगे क्या जी मेरा एक हमारा सनातनी भाई है उसके हाथ में था लेकिन वो क्या था उसके हाथ में आप बताओ सरकार ने वो दे रखी थी पिस्टल वगैरह बंदूक जो राइफल जो होती है वो उन्होंने जब निकाली बगैर लाइसेंस भी थे क्या नहीं नहीं लाइसेंस के बगैर लाइसेंस वाला काम नहीं है जी कानून को मानने वाले आदमी है और ये जब उन्होंने गाड़ियों में आग लगाते 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 वो महिलाएं हमने मंदिरों में अंदर घुसा दी जब हमें लगा कि ये चारों लंग से पहाड़ पहाड़ से भी फायरिंग करने लगे खेतों में से फायरिंग करने लगे अब बहन बेटी की रक्षा करना प्रत्येक परिवार का प्रत्येक धर्म के लोगों का प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है कि पहले मैं अपनी फैमिली अपने बहन बेटी बच्ची की लाज बचाऊँ इज्जत बचाऊँ तो वो उस टाइम प्रशासन भी था वहाँ पर उस टाइम वो एक दो हवाई फार करे ताकि वो आकर नरसंहार ना करे अंदर मंदिर में उसको इसलिए था वो और वो हम अपने साथ हमेशा रखते हैं लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते नहीं लहराते ऐसा कुछ नहीं था वो तो, तो गाड़ी गाड़ियों में, में भर के ले गए थे हथियार बोलना जा रहा है नहीं गाड़ियों में ऐसा वो बोले तो उसको क्या है जी? गाड़ी में कोई किसी का हथियार नहीं है आपका ये ठीक कहना ठीक था फिर जीजा जी आ रहे हैं फूलमाला से स्वागत करना तैयारियाँ रखना उन्होंने तो तैयारी कर रखी थी वही इधर आपसे आपने बोला उधर से दो चार वीडियो उन्होंने बोले ये कहाँ तक ठीक था मेरी वीडियो जिस दिन सुबह यात्रा थी उस दिन आधे घंटे पहले की थी और तैयारी उनकी एक महीने पहले की थी और वो चीज़ सारे सामने आ रही हैं उन्होंने सिलेंडर बिछा दिए रोड पे दिखा दिए खूब यूट्यूब पर दिखा रहे हैं सिलेंडर लगा दिए हमने और पत्थर हैं बाहर से अलवर से राजस्थान से और तुम्हारा इधर अलीगढ़ से हापुड़ से जगह जगह से सारे युवक वहाँ इकट्ठे हुए पहाड़ियों पर इकट्ठे हुए पेट्रोल की बोतलें इकट्ठी हुई अनेक ऐसे आधुनिक हथियार थे जो तो दो दो किलोमीटर से मार कर रहे थे पहाड़ी से यानी कि मेरी वीडियो होते ही आधे घंटे में सब कुछ हेलीकॉप्टर से उतर गए क्या शोभा यात्रा ने सब यात्रा बना दिया आपने बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर का नाम आ रहा है इसमें ये सारा दोस्त मोमन खान का है उसने ये कहा था कि प्याज से फोड़ के दिखा देंगे हम तो वहाँ पर यूट्यूबरों ने चलाया कि मोमन खान से भी सामने चलाया जो वहाँ का कांग्रेसी नेता आफ्ताब अहमद और जाबिर घाटमी का इन्होंने बोला कि तुम प्याज फोड़ के फोड़ने की बात बोलते हो प्याज फोड़ के दिखाओ ये तो पहले सारी चीज़ें हैं और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ तो अभी सुना देता हूँ पहले ही ये सारी चीज़ें निकल चुकी थी वो तो अब अब जब नेट खुला जब सारी चीज़ शामिल चुकी थी मोनू मानसर भी बोल रहा था मैं आ रहा हूँ कल शोभा यात्रा में शामिल होगा हाँ, तो उन पाप कर दिया शोभा यात्रा में पाप कर दिया उस, उस उसका नाम तो है नासिर और जुनेद की हत्या में जिंदा जलाए गए देवी वाणी में नहीं उनका कोई हाथ नहीं है कांग्रेस और ये जो वहाँ के कुछ लोग हैं ये बदनाम करने को सरकार को छवि खरा सरकार को सरकार को बदनाम कर रहे हैं आपको बदनाम कर रहे हैं आप मोनू मानेसर को आप तो सरकार की बात कर रहे हो नहीं 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 मोनू मानेसर को मोनू मानेसर एक गोरक्षक है गो सेवक है और हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चुनाव नहीं लड़ना गोरक्षक हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए क्या नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो सनातन धर्म, धर्म का काम करता है जो अग्रणी तो गाय के नाम पे कुछ भी करे ठेकेदार बन गए आप तो एक धर्म के तो गाय की रक्षा करते हैं उससे कोई कुछ भी माने कोई कुछ भी बोले गाय की रक्षा करते हैं कोई हमको गलत काम तो गाय की रक्षा करना हमारे जो आ, उस सोनीपत साइड के थे रोहतक साइड के फूल सिंह उन्होंने भी गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे तो क्या वो धर्म के ठेकेदार हो गए अब जो अब गो रक्षक बने हुए हैं कम से कम द, दस से बारह गाड़ियाँ तो खुद निकाल देते एक दो गाड़ी पकड़वा देते ऐसा बोल रहे लोग खुद धर्म के ठेकेदार है जो गाय के रक्षक है वो भी भक्सक बन गए हैं लोग बोल रहे हैं कतलखानों में भेज रहे हैं सबूत दिखाओ ना बोलने से क्या है बोल तो कुछ भी रहे कि बुट्टू बजरंगी ने तो मैं बात की तरह तरफ तोहरा दी बोलने से क्या होता है सबूत दिखाओ ना और कानून अपना काम करेगा कानून से प्रशासन से कुछ बढ़ के हो गया क्या कोई कुछ भी बोल लेगा तो वही हो गया बिट्टू बजरंगी के पीछे किसका हाथ है जो मेरे पीछे खड़े हैं श्री राम जी ये पीछे है ना श्री राम जी इसका हाथ है सरकार का प्रशासन का कोई डर नहीं है आपको जो मैं गलत काम करूंगा मेरे को नहीं जो भी कोई गलत काम करेगा प्रशासन अपना काम करेगा जो मेवात में नू में हिंसा हुई इसमें आपका गलत काम नहीं था यह? नहीं मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें और गलत काम नहीं था जो वीडियो वायरल कर रहे थे आप बार बार नहीं कोई गलत काम नहीं था इसमें जिन्होंने मुझे धमकी दी मेरी गाड़ियों पे हमले करे ये गलत काम नहीं था उन्होंने मुझे गाली दी है तो मैं उनका स्वागत करूंगा वो मुझे अब भी गाली देंगे तो मैं उनको अब भी गाली दूंगा स्वागत कैसा हुआ फिर मेवात में आपका स्वागत जैसे उन्होंने देखा बंदूकों से पेट्रोल की बोतलों से पत्थरों से स्वागत इस तरह से स्वागत किया हम तो ना करते हैं ऐसे स्वागत हम तो वहाँ पूजा करने गए तो बोल रहे चैलेंज दे के आ रहे थे हमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है चैलेंज का चैलेंज क्या हम बच्चों के साथ चैलेंज दे जाएंगे क्या महिलाएं बुजुर्ग बड़े बड़े हमारे 80 साल के जो हमारे पिता समान थे वो भी गए थे तो ये का चैलेंज हम, हम महिलाओं को लेकर जा रहे हैं हमें तो मंदिर में दर्शन कर रहे थे मंदिर में थे मंदिर से सीधा हम जो मंदिर थे और अन्य गाँव बात में वहाँ वहाँ के दर्शन करने थे लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं आपके साथ हरियाणा के नहीं थे बाहर के लोग आप लेके आए थे हाँ जी आपका तो आपका जो मकसद था वो हिंसा ही फैलाना था मेरा मैं तो जो चीन से लेके आया था अगर वो ऐसे कहेंगे तो वो भी ठीक है चीन से लेके आया था वो चाइनीज थे सारे मेरे साथ कोई सनात नहीं, नहीं था उनके लिए वही ठीक है तो अब बिट्टू बजरंगी बार बार बयानबाजी कर रहा था उधर से बयानबाजी हुई क्या आपने पुलिस को नहीं बताया ये ऐसे ऐसे मेरे को धमकिया दे रहे हैं गलत बोल रहे हैं हमने परमिशन ले रखी थी बोलने की नहीं और जाने की और हर बार हम परमिशन ले कर जाए गलत बोलने की भी परमिशन थी क्या आपकी नहीं गलत बोलने की कोई परमिशन नहीं थी उनके लिए जवाब था और उनके लिए आगे भी जवाब रहेगा जो मुझे गलत अवसद बोलेंगे मेरी माँ बहन के लिए अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उनके लिए अब भी यही जवाब रहेगा कि जैसे वो मेरे से गाली दे के बोलेंगे मैं भी गाली दे के बोलूँगा वो बोल रहे हैं जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी एक दो युवक इकट्ठे हुए जो हमारे युवक खड़े थे शोभा यात्रा से दो युवक निकल के आए बोल रहे थे मूल्य काटे जाएंगे राम राम पुकारेगा क्या बात ही है दिखा दो तो, नहीं दिखा दो वीडियो ये सारी चीज़ें वो बकवास कर रहे हैं कि मूल्य काटे जाएंगे वहाँ एक हम दर्शन करने गए थे क्या वहाँ इस तरह के नारे लगाने गए थे हम हमें तो अपने माता बहनों के साथ जाएंगे अपनी हमारे दो दो साल की बच्ची आती मेरी भी बच्चियाँ थी क्या वहाँ हम बच्ची को हाथ में लेके कर कहेंगे मूल्य काटे जाएंगे ये सारी बेमतलब की फालतू की बात है जो अपना घिनौना किटे छुपाने के लिए हम हम दोस्त मर रहे हैं मैं अपने घर पे हूँ और वो भगे डोल रहे हैं वहाँ के जो कमिश्नर साहब है वो बोल रहे हैं कि पेश हो नहीं तो मैं अपने हिसाब से लेके कर आऊँगा क्यों भगे डोल रहे कानून के सामने पेश हो ना अपनी सफाई दो जैसे बिट्टू बजरंगी दे रहा है बैठ के दे रहा है प्रशासन ने बुलाया प्रशासन के पास गया वहाँ मुझे अरेस्टिंग हुई कोर्ट ने मुझे जमानत दी ऐसे वो भी पेश हो ना अपनी बात रखें भगे क्यों डोल लें पहाड़ों पर छुपे क्यों डोल लें अब अब दिक्कत आई उनको बुलडोजर चल गए तो पहले तो दिक्कत नहीं थी उनको तो, पहले तो उन्होंने हथियार हाथ में ले लिया जब नहीं सोचा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है तो बिट्टू बजरंगी ये बताओ हिंदू हिंदू कौन है जाट बोल रहे हैं हमें कोई अपना मतलब नहीं है हम जाट ही ठीक है गुज्जर बोल रहे हैं हम भी ठीक है हम कोई जो साथ नहीं देंगे किसी भी ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये बाहुल क्षेत्र है गुजर जाट यादव सभी का और ऐसे ही सब अलग अलग अपने अपने टिप्पणी करेंगे ये कुछ नेता होते हैं जो अपनी डपली बजाकर कभी कभी साल छवने में निकलते हैं ये झिंगूर की तरह तो ये है लेकिन हमारे साथ हमारे जो सभी भाई सनातनी हैं हिंदू एक है और ये कह रहे हैं कि जाट मुसलमानों के साथ है ये अपने पूर्वजों को भूल गए कुछ आदमी सारे नहीं जाट समाज तो गऊ की रक्षा करता आया है और सभी सनातनी मैं तो बिरादरी का नाम नहीं लूँगा लेकिन वो अपने पूर्वज जो हमारे पूर्वज थे मैं उनको मानता हूँ कोई पूर्वज 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 जो होते हैं ना किसी एक के नहीं होते वो सब के होते हैं सूरजमल जी थे जी. उनके साथ क्या हुआ भूल गए हमारे सूरजमल जी को इन मुस्लिम आक्रांताओं ने उनकी हत्या करी जबकि हमारे सूरजमल जी ने अनेक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आसपास की मुसलमानों से लड़ाई लड़, लड़ते लड़ते अपने प्राण रक्षावर करे यानी कि वो अपने पूर्वज को भूल गए अल्लाह अकबर को अपना पूर्वज बता रहे हैं टोपी वालों को पूर्वज बता रहे हैं क्या अपने अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को अपना बाप बोल रहे हैं करने दो उनको उनकी डपली उनका राग को सब स्वतंत्रता बोलने के लिए वो भी भाई हैं जो बोल रहे हैं कि हम जाट नहीं हैं कहाँ से आए फिर वो उनके पूर्वज कौन है कोई अलग मशीन से निकल के आए हैं क्या वो अलग देश से निकल के आए हैं अंतरिक्ष से निकल के आए हैं क्या वो सब हिंदू तो हैं हिंदू की कोई बड़ी भरी परेशानी नहीं है सारे भाई हिंदू हैं और इनको फूट डालने दो इनकी फूट कामयाब नहीं होगी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और भारत द्वारा से सोने की चिड़िया बनेगा सब हिंदू भाई हैं कोई जात बिरादरी की बात नहीं है हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है भारत एक हिंदू राष्ट्र है आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना दोगे उसकी मांग चल रही है पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था नहीं था ऐसे ये बनेगा दोबारा बनेगा सोने की चिड़िया बनेगा अब इसमें भी दिक्कत आ गई लोगों को सोने की चिड़िया क्यों बनेगा भारत विश्व का कल्याण हो क्यों? प्राणियों में सद्भावना हाँ, हो जन का कल्याण हो हाँ, ये हाँ, सारे सभी हाँ, बातें ठीक है जो भी है तो एक बात बता बिट्टू भाई ये बिट्टू बजरंगी जी ऐसी बात है सिख भी रह रहे हैं इस्लाम धर्म भी है या हिंदू भी है सभी धर्म के लोग रहते हैं आपस में भाईचारा था आपने मेवाद के अदंगों की नी हाँ हाँ जो धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र की वो नींव रखी हमारे छत्रपति शिवाजी ने या वो भूल के कुछ ऐसे हैं जो खालिस्तानी हैं उनको ढपली बजान दो हमारे गुरु नानक जी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी हम तो वो ये ये सब हम भाई हैं हम सब इसी सिख हो हिंदू हो या और भी कोई भाई हो ये भगवा में रहते हैं जी उन्होंने कभी टोपी पहनी क्या अब कुछ लोग हैं नहीं हम तो उनके साथ हैं उनके साथ हैं अपने पूर्वजों को मानो सब ठीक है सब हिंदू भाई हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हो आप हाँ जी क्यों करते हो तो गलत बात है जी को पाप है तो एक एफ आई आर और हो जान दो हिंदू राष्ट्र की मांग करिए आप इससे पहले और भी एफ आई आर दर्ज है हाँ किस चीज़ की हो यही है जी इसी की है कि एक ना समझ पंचर छाप ने कुछ बोलूँगा दूसरा शब्द तो फिर एफ आई आर होगी उसने चौदह साल की बच्ची के साथ रेप किया और मथा रोड पर फेंक दी उसको मैंने पकड़ा और बढ़िया इलाज करा और फिर प्रशासन में दिया इलाज करता हूँ इसलिए उनको दिक्कत रहती है हम इलाज करके प्रशासन में देते हैं कि ये पकड़ के लाए हम इस पर कार्रवाई करो सैकड़ों मुसलमान जेल के अंदर है मेरे कारण जो हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा मेरी एक बेटी को बल्लभगढ़ में गोली मार दी ये जो जो मेवात का ही था वो उसने गोली मार दी उसको इसलिए कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर हमारी बहन निकिता तोमर उसने अपने प्राण दे दिए लेकिन धर्म बदलने के लिए बात इस्लाम से ही नहीं करा एक हमारी बेटी फरदाबाद की किरण नेगी उसके टुकड़े टुकड़े करके ये जो नहर है ये आगरा कैनाल उसमें फेंक दिया इन्हीं बिरादरी के लोगों ने तब कोई कोई बात नहीं उठाता बिट्टू बजरंगे ये चीज भी उठाता है कोई गाय माता मर जाती है उसको हम अपने पैसे से संस्कार करते तो कोई बात नहीं उठाता ये भाषण हो गया एक अकरुद्दीन बकरुद्दीन है उधर का साउथ का जी और इसी का भाई वो कहता पंद्रह पंद्रह मिनट पुलिस हटा लो जब तो कोई दंगा नहीं हुआ और जहाँ इनकी पतलून की लिए होती है तो कहते हैं पंद्रह मिनट पुलिस लगा दो कहाँ हटानी है कहाँ लगानी है उनको ये डिसाइड नहीं है अब ये कह रहे हैं कि भाई बयान देख रहा हूँ मैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसे होगा वैसा होगा कोई पार्टी आए मैं ये कहता हूँ हिंदू सब एक हैं हिंदू धर्म के लिए अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए बचाएं नहीं 30 वर्ष बाद पार्टी वाले तो भग जाएंगे विदेश कोई भी पार्टी वाले और जो बुरा मत मानना मैंने एक दो और न्यूज़ वालों से बोली है। जो न्यूज बना रहे हैं उनकी भी न्यूज़ बनेगी ये ऐसा धर्म है और भी मैंने न्यूज में बोला जो न्यूज़ बना रहे हैं है, उनकी भी न्यूज़ बनेगी एक दिन क्योंकि हम तो सेफ़ हैं लेकिन जो हमारे बच्चे हैं हमें उनकी लड़ाई लड़नी है मेरा कोई परिवार नहीं है लेकिन जब भी मैं मैं लड़ाऊँ बच्चों के लिए बहन बेटियों के लिए नहीं तो मैं सक्षम हूँ अपने आप कोई आ जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात हो रहा है जी बिट्टू जी मेवात में दो होमगार्ड मर गए काफ़ी लोग घायल हुए हैं लोगों की गाड़ियाँ फूकी गई है सही थी उसमें और बहुत दुख की बात है कि उन्होंने नंगा नाच किया और वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे नंगा नाच आपकी तरफ से भी करने की तैयारी थी क्या ना ना आ? अच्छा देखो जी फिर मैं बता रहा हूँ महिलाएं बच्चे बुजुर्ग लेकर को कोई नंगा नाच करेगा कोई नहीं करेगा मैं तो कह रहा हूँ कोई धर्म का होगा दूसरा धर्म का कोई फैमिली के लिए साथ जाएगा क्या झगड़ा करने जाएगा क्या अपनी फैमिली को लेकर तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर कहीं झगड़ा करेगा किसी मोनो मोनेशर और आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है हाँ ये बात वो इसलिए टारगेट करते हैं कि मैंने मेरे आप पेज पे देख रहे हैं ना यूट्यूब पर पच्चीस साल से लव जिहाद का काम कर रहा हूँ और जितने भी हैं बाहर क्षेत्र के बिहार तक के गुजरात के कहीं के भी हो मैं उठा के इनका इलाज करके प्रशासन के हवाले करके उनको जेल भेजता हूँ तो महीने में कम से कम चार पाँचों को इलाज करके जेल चले जाते हैं जिनका मेरी किताब में फैसला भी नहीं है बहुत से कहते हैं कि माफ़ कर दे कोई माफ़ी नहीं है जो हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगर कोई मेरी बहन बेटी को छेड़ दे और मैं कह दूँ चल कोई बात नहीं आगे से मत करियो तो ये मेरा जन्म नहीं सिखाता मेरी कॉलोनी में दो ढाई हज़ार मुसलमान हैं मेरी गली में भी हैं वो शाम को अब भी आके बैठते हैं जो गलत है जो गलत है जो सही है सही है बिट्टू बिट्टू बुजरंगी तो हिंदू मुस्लिम के बीच दरार बना दिया दरार नहीं और उनको मेवात में तो कर दिया आपने काम 2024 का इलेक्शन की तैयारी की थी जो वो कर दी हिंदू मुस्लिम के नाम पे होगा मुझे एमपी बना देंगे अब मुझे तो बहुत तड़ा वो बना देंगे पूरा देश मुझे ही दे देंगे सारे ये मुझे कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ रहा पच्चीस साल से कोई बता दे मेरा लोकल न्यूज वाला कोई के इस तरीके से बिट्टू ने ना मैंने इलेक्शन लड़ना विपक्ष तो बोल रहा है सरकार का काम कर दिया बिट्टू बजरंगी के ना तो बोलता रहेगा वो तो विपक्ष तो रोक सकता किसी को विपक्ष तो बोले उसका काम है बोलने का तो कोई रोक देगा उसको बोलने का अधिकार सभी को है हमारे देश में कोई कुछ बोले बोलने से क्या है आप दोबारा फिर जाओगे क्या बिल्कुल धूम धड़ाके से तैयारियाँ क्या है क्या करके जाओगे ऐसे जाएंगे जैसे पहले कहेंगे हथियार लेके जाओगे फिर दोबारा फिर हिंसा होगी वहाँ पे ना ना कोई हथियार नहीं और परमिशन लेके जाएंगे कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे और महिलाएं बच्चों के साथ ही जाएंगे बुजुर्गों के साथ ही जाएंगे दोबारा से नहीं होगा ये काम नहीं जो, जो अब हुआ है वीडियो वही है उधर से भी आपकी तरफ से भी दोबारा तो नहीं करोगे ये काम नहीं नहीं हम नहीं करेंगे उनसे पूछो ये काम वो नहीं करेंगे दोबारा हम तो दोबारा जाएंगे नल्लण मंदिर में भोले बाबा का दर्शन करेंगे क्योंकि वो अभी भी, भी बोल रहे हैं कि आओ एक बार दोबारा अभी भी चैनलों पर चल रहा है अभी कोई को नहीं दिखाएगा कि आओ दोबारा से हम दोबारा भी तैयारी से बैठे हैं अभी तो बुट्टू भर ने कुछ बोला भी नहीं है इस पर संज्ञान ले ना अब यूट्यूब पर फिर चला रहे हैं वो किसान नेता बोल रहे हैं हम मुसलमानों के साथ है कोई बिट्टू बजरंगी के साथ नहीं है मोनू मानेसर के साथ नहीं है ये हथियारें है और दूसरी बात जो आपकी चप्पलें पड़ी है वहाँ पे वो नहीं उठाई जा रही आपसे बात करते हो दोबारा जाने की आप चप्पल उठाएंगे नेक दे के हमारे भी रिवाज है ना नेक भी मिलेगा मतलब मानते हो ये बात नेक मिलेगा जो गलत काम करा है नेक मिलेगा हमारे में ये भी है ना जो चप्पल छुपाता है तो क्या करते हैं नेक देते हैं ना नेक भी मिलेगा मिलेगा नेक भी थोड़ा टाइम है नक भी मिलेगा सेवा अच्छी नहीं हुई आपकी सेवा नहीं सेवा उनकी अच्छी नहीं हुई अब जो तो भगे डोल रहे हैं हमारी क्या सेवा करेंगे वो हमें तो हमारे महिलाओं को बच्चों को दिखा दिया उन्होंने कि हमारा धर्म कैसा है महिलाओं पर अत्याचार करके जो बसों में आग लगाई है हमारे सैनिक मारे हैं पुलिस मारी है दिखा दिया ना उन्होंने कि हम एक ही किताब को मानते हैं हम संविधान को नहीं मानते दिखा दिया उन्होंने तो को ने करवाया ये काम तो मोनू मानेसर का नाम है क्या नाम है मोनू मानेसर वो तो ले रहे तो नाम हमारा हो गया वो तो कुछ भी बोलेंगे मोनू मम्मन खान को कौन नहीं दिखा रहा जाबिर घाट में का कौन नहीं दिखा रहा मे वार्मी बनाई उसको कौन नहीं दिखा रहा उसने तो ये बोल दिया था कि पुलिस के भी टुकड़े टुकड़े कर दो आम पब्लिक की क्या बात है वो पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं कि पुलिस को टुकड़े टुकड़े कर दो और सबसे बड़ी बात कुछ महीने पहले पाँच हजार पुलिस वाले क्यों गए वहाँ पे मे बात में पता है और साइबर जो उन्होंने क्राइम किया उनको उठा के लेके आए और वहाँ का थाना चला दिया बिट्टू बदनगी का थाने से उसका क्या मतलब था वहाँ पर रिकॉर्ड था उनका उनकी कालूली काली करतूतें उनकी रिकॉर्ड में दर्ज थी इसलिए थाने मांग लगाई और पूरे देश में सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय चोर कौन है वहाँ के लोग अंतर्राष्ट्रीय टटलूबाज कौन है वहाँ के लोग एक ऐप है उसको देख लेना सब छोड़ो एक हरियाणा ऐप बना रखी है मैं बात की सच्चाई दिखाई है उसमें जब ददंगे भी नहीं हुए थे और बिट्टू बजरंगी बना बना देता इस ऐप को तो फिर कहते हैं भैया तुम्हें क्या जरूरत है ऐप बनाने की उसमें कैसे चोरी करते हैं कैसे वहाँ के सरपंच मिले हुए हैं सारा दिखा रखा है हरियाणा ऐप में मैं तो कहूँ धन्यवाद हो हरियाणा ऐप का भी जो पूरी सच्चाई दिखाई मैं बात की किसी और की नहीं दिखाई तो बिट्टू बजरंगी जी आपने एक फेसबुक पे डाली हुई है मतलब जिहादियों का जीजा क्या मतलब है उसका क्या कहना चाह रहे हो उससे आप जो अपने आप को जिहादी समझता हुआ जिहादी का मतलब होता है अपने आप में बम लगा कर मरना लोगों की हत्या ही करना और जो जिहाद दो तरह के एक है एक धर्म के लिए लड़ाई सच्चा काम करना परोपकारी करना अगर वैसे जिहादी हो तो ठीक है अगर आप कोई ये कहे कि मैं गाय काटता हूँ मैं मैं भारत माता को डैन कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ तो मेरी नज़र में वो जिहादी है ना कि सब जिहादियाँ तो बिट्टू बजरंगी दोबारा जाओगे जो